सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्केरी सुमित टीवी को मिस्टीरियस वीडियो एंड हॉरर से रिलेटेड सारे कंटेंट देखने के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम माय नेम कोरियन ड्रामा वेब सीरीज को देखने वाले हैं। वो टोटल इसके 8 एपिसोड है। इस वीडियो में मैं फर्स्ट 3 पार्ट एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट्स को देखेंगे। IMDb पर इस फिल्म को मिले है 7.9 आउट ऑफ 10 एंड दिस मूवी वॉज लाइक बाई 97% ऑफ गूगल यूजर्स। तो बिना कोई वक्त गवाए हम जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। Let's get started। तो मूवी की शुरुआत होती है जियो नाम की एक टीनेजर लड़की से, जो कि अपने दुखी जीवन से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी थी। जियो मात्र 17 साल की थी और बचपन में उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी एंड काम के चलते उसके डैड भी उसके साथ नहीं रहते थे। एक दिन जियो अपने स्कूल के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसे 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर उसके डैड का उसे कॉल आए तो उनसे कहना कि वो पुलिस को सरेंडर कर दें। एट दिस पॉइंट एज ए व्यूअर हमें पता चलता है कि सारे सियोल सिटी में जियो के फादर की काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, बिकॉज सबको ये लगता था कि जियो के फादर गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का बिजनेस किया करते हैं। खैर, जियो उन पुलिस वालों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने स्कूल में पहुँचती है। उस दिन जियो का बर्थडे था और स्कूल में भी कुछ लड़कियां उसके डैड के प्रोफेशन को लेकर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इतना ही नहीं बल्कि उनमें से एक लड़की जियो पर हाथ भी उठाती है, लेकिन जियो ही उन सब पर भारी पड़ती है और उन सब को मार कर चलती क्लास से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है। उसी रात जियो के डैड ने कुरियर से उसके लिए गिफ्ट भी भेजा था, लेकिन वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। तभी उसके डैड का उसे कॉल आता है और वो उसे बर्थडे विश करते हुए बताती है कि वो उससे मिलने जल्दी आएंगे। जियो बताती है कि उसके डैड पिछले 1 महीने से लापता होने के कारण पुलिस वाले और सारे लोगों ने उसका जीना हराम करके रखा है और वो कहते हैं कि उन्हें घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो उसके लिए हमेशा के लिए मर चुके हैं। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है और वहाँ जियो के डैड उससे मिलने के लिए घर वापस आ रहे थे। घर के बाहर उन्हें वही 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो जियो से सुबह उसके डैड के बारे में पूछ रहे थे। जियो के डैड उन्हें मारकर जख्मी कर देते हैं और अपने घर का दरवाज़ा खोल रहे थे। तभी जियो को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आ गई थी और उसकी नींद भी खुल चुकी थी। अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक कोट पहने आदमी आता है और उसके फादर को गन से शूट कर देता है। जियो के फादर एक जिम्मेदार फादर थे और उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था ताकि वो ब्लैक कोट पहना आदमी जियो को मार न सके। जियो दरवाजे के होल से उस आदमी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। जब तक जियो दरवाजे से बाहर आती तब तक उसके डैड की डेथ हो चुकी थी और वो मारे गए थे। नेक्स्ट डे जियो के डैड का फ्यूनरल था और वहाँ चिमोजिन भी आया था और ये वही शख्स था जिसके साथ मिलकर जियो के डैड ड्रग्स का बिजनेस किया करते थे। जियो चिमोजिन से पूछते हैं कि आखिर उसके डैड को किसने मारा होगा। चिमोजिन बताता है कि उसके डैड उनके सबसे अच्छे दोस्त और छोटे भाई थे और साथ ही बहुत अच्छे डैड भी। इतना कहकर वो जियो के डैड को अंतिम विदा देता है और यहाँ से चला गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके डैड के किलर का पता नहीं चलता। एक दिन जियो गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पूछती है कि उसके डैड के कातिल को आखिर क्यों नहीं पकड़ा गया। पुलिस बताते हैं कि जिस CCTV वीडियो फुटेज में वो किलर नजर आता वह उसका चेहरा क्लियर नहीं था और ऐसे में उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जियो उन पुलिस वालों से झगड़ा कर लेती है और वो अब चिमोजिन के पास हेल्प मांगने चली गई। यहाँ पहुँच कर वो देख पाती है कि यहाँ पर लड़कियाँ तक ड्रग्स का काम किया करती है। कुछ देर बाद वो चिमोजिन के कैबिन में आ जाती है और उन्हें वो फोटो दिखाती है जिसमें उसके डैड के किलर की तस्वीर थी। चिमोजिन उसे बताता है कि अगर वो किलर उसे मिल भी जाए तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बिकॉज वो महज एक 17 साल की छोटी बच्ची थी। चिमोजिन जियो के हाथ में चाकू देता है और वो उसे मारने के लिए कहता है। जियो काफ़ी डर चुकी थी और इस समय काफ़ी नर्वस थी, इसलिए वो चुपचाप से खड़ी रहती है और चिमोजिन को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। चिमोजिन उसे कस के थप्पड़ मारता है और वापस घर भेज देता है। जियो की हेल्प ना ही पुलिस कर रही थी और ना ही वो लोग जिसके साथ मिलकर जियो के डैड काम किया करते थे। जियो अभी भी हार नहीं मानती और उसके डैड के कातिल को पकड़ने में खुद ही लग जाती है। जियो उस किलर के पोस्टर को पूरे सिटी में लगाती है और कहती है कि अगर किसी ने उसे उस किलर का पता बताया तो बदले में इनाम के तौर पर वो उसे काफ़ी सारे पैसे देगी। उसी रात उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कहता है कि वो उस पोस्टर वाले किलर को जानता है, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि वो पहले पैसे लगा और बाद में ही उस किलर की आइडेंटिटी रिवील करेगा। जियो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी लेकर उस अननोन नंबर वाले बंदे के पास पहुंच जाती है और वो लोग उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि वो लोग उसे कार के बूट में डालकर कहीं दूर ले जा रहे थे। तभी उस वक्त वह चिमुजिन और उसके लोग पहुंच जाते हैं और वो उन बंदों को बुरी तरह से पीटते हैं और इजीली जीव को बचा लेते हैं। चिमुजिन जीव को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो ये सब करना छोड़ क्यों नहीं देती। जीव कहती है कि वो उसके डैड के किलर का बदला लेकर रहेगी, फिर चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। चिमुजिन जीव को बताता है कि अगर उसे किसी को मारना है तो इसके लिए पहले उसे मारना सीखना होगा। चिमुजिन जीव को उनके ग्रुप यानी डोंगजे के ग्रुप ले जाता है और वहाँ उसे किसी को भी मारने की स्पेशल टेक्निक सिखाई जाने वाली थी। वहाँ पहुंचकर उसे गांजे नाम का लड़का मिलता है और वो उसे वहाँ के सारे नियम बताता है। वो बताता है कि उसे सबके लिए खाना बनाना होगा, सबके कपड़े धोने होंगे और यहाँ तक कि बर्तन भी मांजने होंगे। एंड वो बताता है कि उनके ग्रुप का यहाँ का नियम है कि जो सबसे छोटा मेंबर रहेगा वो ही सबके काम करेगा। अगले दिन जीव अपने सारे काम ख़त्म करके जब ट्रेनिंग कर रही थी तो एक बंदा उसे छेड़ने लगता है और उसे गलत तरीके से टच भी करता है। जीव उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसे मारना तक शुरू कर देता है और इसके बाद गांजे ही आकर जीव की मदद करता है। इसके बाद जीव अब दिन के बजाय रात के वक्त ट्रेनिंग किया करती थी और चिमुजिन जीव की हर एक एक्टिविटी पर अपने ऑफिस से नज़र रखता था। जीव के हौसले को देखते हुए खुद चिमुजिन उसे ट्रेनिंग देता था और यहाँ तक किसी को मारने की स्पेशल टेक्निक भी वो उसे सिखाता था। एक दिन उनके जिम में एक कॉम्पिटिशन होता है और ये कॉम्पिटिशन कराने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि चिमुजिन ही था। उस कॉम्पिटिशन में एक केज में सारे ट्रेनर एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे और अंत तक गांजे ही बचा हुआ था। सबको ये लगता है कि वही विनर है, लेकिन थोड़ी देर बाद जीव भी उठती है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जीव गांजे को मारकर कंपटीशन जीत जाती है और चिमुजिन इस बात से बहुत खुश था। सभी लोग गांजे पर हंसते हैं और कहते हैं कि वो एक लड़की से हारा है। शाम के वक्त जीव जब गांजे से मिलती है तो वो उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन गांजे कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो बस एक कॉम्पिटिशन ही था। इसके बाद गांजे उस लड़के से मिलता है जिसने जीव को गंदी तरह से टच किया था। उन लोगों ने जीव के पीने के पानी में नींद की दवाई मिला दी थी और रात को वो लोग उसके रूम में जाकर ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और वो उनके जेनिटल पार्ट पर मारकर रूम से बाहर आ जाती है। इतने में वहाँ चिमुजिन के आदमी आ जाते हैं और गांजे को उठाकर चिमुजिन के ऑफिस ले आते हैं। चिमुजिन गांजे के फेस पर हमला करता है और उनकी कम्युनिटी से हमेशा के लिए उसे निकाल देता है और सबको ये बताया जाता है कि गांजे ने जीव का मर्डर किया है, इसलिए गांजे को भी डोंगजे के ग्रुप से हमेशा के लिए निकाला गया। इसके बाद यह स्टोरी 4 साल बाद यानी 2021 में कंटिन्यू होती है, जहां हम देख पाते हैं कि चिमुजिन ने जीव को वो गन दी थी जिससे उसके डैड का मर्डर हुआ था। वो बताता है कि उसके डैड का कातिल एक पुलिस वाला है। चिमुजिन के कहने पर जीव ने अब पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर ली। चिमुजिन ने उसे एक नया नाम ओहाइजिन दिया था। एक दिन ड्यूटी पर ओहाइजिन एक ड्रग के गैंग को पकड़ लेती है और वहाँ उसे नारकोटिक डिपार्टमेंट का ऑफिसर पिल्लो मिलता है। वो उन ड्रग्स के गैंग मेंबर्स को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रही थी और ओहाइजिन को बताता है कि उन्हें पकड़ने के लिए उसने भी बहुत मेहनत की है। तभी ओहाइजिन को उसके बॉस का कॉल आता है और ओहाइजिन एक पुलिस डिपार्टमेंट से होने के कारण पकड़े हुए गैंगस्टर को उसे पिल्लो को सौंपना पड़ता है। अगले दिन ओहाइजिन नारकोटिक डिपार्टमेंट में जाती है एंड यहाँ एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि उसने कुछ दिन पहले ही नारकोटिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दी थी और वहाँ उसे ऑफिसर गिहो मिलते हैं जो कि उसके बॉस और नारकोटिक डिपार्टमेंट के हेड थे। वो ओहाइजिन से क्वेश्चनिंग करते हैं कि आखिर उसे डिपार्टमेंट ज्वाइन क्यों करना है। वो कहते हैं कि उसे किसी को पकड़ना है, लेकिन वो अपनी पूरी बात नहीं बताती। ओहाइजिन की बातों से ऑफिसर गिहो इम्प्रेस हो चुके थे और वो उसकी अर्जी मंजूर कर लेते हैं। उसी रात ओहाइजिन मुजिन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने आज से नारकोटिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी इमोशनल बातें शेयर करते हैं और मुजिन बताते हैं कि पास्ट में एक दिन पुलिस वालों से उसके डैड ने उनकी जान बचाई थी और तब से मुजिन और उसके डैड के बीच एक भाई जैसा रिलेशन बन चुका था एंड प्रेजेंस में भी मुजिन और जीव का रिश्ता काफ़ी अच्छा था। तभी ओहाइजिन ने मुजिन के लिए टिप अपने हाथों से बना कर लाई थी और वो उसे देते हुए कहती है कि इससे उन्हें नींद काफ़ी अच्छी आएगी। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पिल्दो उन ड्रग के गैंग मेंबर से पूछताछ कर रहे थे जिसे उसने उस दिन अरेस्ट किया था। साथ ही पिल्दो उनसे एक ड्रग्स के बारे में पूछता है जिसे कैंडी कहा जाता है। वो लोग अपना सारा राज खोलते हुए उस स्मगलर का नाम और एड्रेस भी बता देते हैं जिसके पास ये ड्रग्स मिलती है। इसके बाद ऑफिसर गिहो ने हाइजिन और पिल्दो को काम दिया था कि वो कैंडी ड्रग्स के डीलर को कहीं से ढूंढ लाए। इसके लिए हाइजिन ऑफिसर पिल्दो और दो और ऑफिसर उन ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचकर पिल्दो हाइजिन को अंदर भेजता है
और कहता है कि वो उस ड्रग डीलर को पकड़कर उसके आगे ले आया बिकॉज वो उसका सीनियर था। हाइजीन उस डीलर को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर चली जाती है और वहाँ उसे कुछ गुंडे परेशान करते हैं, लेकिन वो उन सबको मारकर उनके बॉस के पास पहुँच गई थी। विल्डो को हाइजीन की चिंता हो रही थी और वो अब हाइजीन को ढूंढने के लिए अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पहुँच कर वो देख पाता है कि हाइजीन ने सबको मारकर असली डीलर को पकड़ लिया है। उस डीलर का नाम मांगो था और मांगो और उसके साथी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर विल्डो मांगो को बुरी तरह से पीटता है और उसके बॉस का पता निकाल लेता है। मांगो और पूरे सिटी में नया और भयानक ड्रग सप्लाई करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि गांजे ही था, जिसे चिमुजिन ने मारकर उनके ग्रुप बाहर निकाला। गांजे अब बहुत बड़ा स्मगलर बन चुका था और उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, चिमुजिन को मारकर उससे बदला लेना। वहाँ पुलिस स्टेशन में जीव को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल चुकी थी, जहाँ सारे नारकोटिक डिपार्टमेंट की सीक्रेट केसेस की फाइल्स एंड एविडेंसेस रखी जाती। जीव तुरंत लॉगिन करके उसके डैड के कातिल का पता करने की कोशिश करती है और वो भी अब श्योर हो चुकी थी कि उसके डैड का कातिल एक पुलिस वाला ही है। जीव हमेशा अपने साथ वो गन रखती थी जिससे उसके डैड का मर्डर हुआ था। वहाँ मुजिन के ऑफिस में उसका मैनेजर तेज उसे कहता है कि उन्हें ड्रग की डील करने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री में जाना होगा, जहाँ उनसे मिलने कुछ डीलर्स बाहर देश से आने वाले हैं। सेम इन्फॉर्मेशन ऑफिसर गियो को भी मिल चुकी थी कि चिमुजिन ड्रग की डील करने के लिए फैक्ट्री जाने वाला है, यानी ऑफिसर गियो के पास भी मुजिन के लिए एक खबरी था। नार्कोटिक डिपार्टमेंट में मुजिन को पकड़ने की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चलने लगी थी। सबको इस एनकाउंटर के लिए एक स्पेशल गन दी गई, सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए और सबके फ़ोन पहले ही ऑफिस में जमा कर दिए गए, ताकि ये प्लान किसी भी रीज़न से फेल ना हो पाए। ओ हाइजीन मुजिन को कॉल करके असलियत बताने की कोशिश करती है, लेकिन सबके साथ होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। ऑफिसर गियो और पूरी नार्कोटिक डिपार्टमेंट उसी फैक्ट्री पहुंच जाती है जहां मुजिन आने वाला था। वो सारे लोग फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं और मुजिन और उसके आदमी को रंगे हाथ ड्रग्स के साथ देख लेते हैं। वो लोग मुजिन को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ओ हाइजीन इलेक्ट्रिक बॉक्स में उसी गन से शूट करती है जिससे उसके डैड की डेथ हुई थी। शूट करने के कारण सारे फैक्ट्री में आग लग चुकी थी और मुजिन को यहाँ से भागने का मौका मिल चुका था और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। मुजिन अपने ऑफिस आकर हाइजीन के ऊपर काफ़ी नाराज था बिकॉज वो हाइजीन ने रेड पड़ने वाली बात उसे पहले नहीं बताई थी। वह उस फैक्ट्री में ऑफिसर गेहूँ उन सब पर शक कर रहा था, आखिर बेवजह फायर की तो की किसने। तभी उसे वो गन मिलती है जिससे शूट किया गया था। गन तो मिल चुकी थी, लेकिन किसी ने उस गन के ऊपर स्क्रैचेस कर दिए थे जिससे उस गन का नंबर प्रॉपरली विजिबल नहीं था। वापस पुलिस स्टेशन पहुँच कर ओ हाइजीन मुजिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। ऑफिसर गियो सबकी गन चेक करता है कि आखिर फैक्ट्री में शूट किसने किया। इस बात से विल्डो काफ़ी नाराज़ होता है कि उन्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। विल्डो हाइजीन को बताता है कि वो पिछले 4 साल से मुजिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबूत न होने के कारण वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। वहाँ ओ हाइजीन को उसके डैड की फ़ोटोज़ भी नज़र आती है और वो उस फोटो के बारे में विल्डो से पूछती है। विल्डो बताता है कि यह शख्स मुजिन के लिए काम किया करता था और कुछ साल पहले ही मारा गया, लेकिन किसने मारा ये ना ही वो जानता है और ना ही नारकोटिक डिपार्टमेंट, बिकॉज उनके मौत के बाद किसी को भी वहाँ सबूत नहीं मिले। थोड़ी देर बाद ओ हाइजीन मुजिन के साथ बात कर लेती है और वो उसे बताते हैं कि एनकाउंटर वाली बात उसे भी पहले नहीं पता थी, और जब तक वो कॉल करके उन्हें बताती उससे पहले ही सबके सेल फोन ऑफिस में जमा किए गए थे। साथ ही वो बताते हैं कि मुजिन के ऑफिस में टोटल 3 कैमरास नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए गए हैं और उन पर से नार्कोटिक्स वाले हमेशा उस पर नज़र रखते हैं। वहाँ ऑफिसर गियो वो गन लेकर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जाते हैं और उनकी मदद से वो स्क्रैचेस हटाने की पूरी कोशिश करते हैं जिस पर गन का नंबर लिखा था। तभी ओ हाइजीन को पिल्दो का कॉल आता है और वो उसे चिमुजिन के जिम आने के लिए कहता है। ओ हाइजीन वहाँ आकर देखती है तो गांजे और उसके गुंडों ने सारे जिम मेंबर्स को जान से मार डाला था। इवन दो गांजे ने तेजू को भी बहुत बुरी तरह से मारा था बिकॉज तेजू ने ही जीव के रेप वाली बात मुजिन को बताई थी। वहाँ पहुँच कर ओ हाइजीन पिल्लो से पूछती है कि क्या मुजिन भी इस इंसिडेंस में मारा गया। इसी के साथ तीनों एपिसोड यही ख़त्म हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि क्या सच में मुजिन इस इंसिडेंस में मारा गया या नहीं। साथ ही हमें पता चलेगा कि कौन था आखिर ओ हाइजीन के डैड का कातिल, कहीं वो ऑफिसर गियो तो नहीं या फिर कोई और। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्केरी सुमित टीवी को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।